अस्सलामु अलैकुम, यू आर लिसनिंग टू मलिक शहज़ाइब। और आज के इस लेक्चर में हम फॉर लूप्स की जो एग्जांपल्स हैं उनको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फॉर लूप की जो बेसिक्स थी उनको हमने पढ़ा था, बेसिकली समझा था कि फॉर लूप होता क्या है। तो सबसे पहले ये एग्जांपल है कि आपने डिस्प्ले करने हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को यूजिंग फॉर लूप। तो देखें, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स डिस्प्ले करने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। ये आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं। कहाँ से नंबर स्टार्ट होने चाहिए, इनिशियलाइज है ये हमारे पास, आई वेरिएबल है। हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ तक डिस्प्ले करने हैं, कंडीशन है यहाँ पर। तो हमने कहां तक डिस्प्ले करने हैं, 10 तक, यहां पे 10 लिख लेते हैं, ओके। और यहां पे इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, एक आई जो उनसे इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद सी आउट करेंगे, यहां पे आई लिखेंगे और थोड़ी सी स्पेस करके लिख देते हैं और इस तरह एंडल कर लेते हैं। तो ये अब इसको जो उनसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद इसको सेव करते हैं, ये इंटर। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन से 1 से लेके 9 तक यानी 10 तक जो सा है नेचुरल नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए हैं, क्लियर। सेकंड प्रोग्राम आप करेंगे जो सा आपने 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले करने हैं, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले बड़ा नंबर आए फिर छोटा आए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट पहले कौन सा नंबर आना चाहिए, 10, फिर 9, फिर 8, इस तरह करके डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम इसको इनिशियलाइज करते हैं 10 से। ये इसको मैंने 10 से इनिशियलाइज कर दिया। अब कहाँ तक डिस्प्ले होना चाहिए, 0 तक डिस्प्ले होना चाहिए ना, यानी 0 से इसको हम कर देते हैं, जब तक आई 0 से छोटा है, सॉरी जब तक आई 0 से बड़ा है उस वक्त तक ये स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे, ये कंडीशन है, ठीक। और उसके बाद अब हमने इसको माइनस माइनस करना है। पहले अगर यहाँ पे प्लस प्लस लिखते हैं तो आई की वैल्यू में एक प्लस हो जाता, अगर आई माइनस माइनस लिखते हैं इसका मतलब है आई की वैल्यू में एक कम कर दे, इसको हम डिक्रीमेंट करते हैं अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूं तो। और अगर मैं यहाँ पर जो सा प्लस प्लस जैसे हम पहले करते आए हैं उसका मतलब होता है कि जो सा इंक्रीमेंट, ठीक है। दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो कंपाइल एंड रन करके आप देख सकते हैं पहले 10 से 1, 2 स्टार्ट हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डिस्प्ले हो रहे हैं, सही है। और अगर आपने जो उनसा है 100 से स्टार्ट करना है, जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनिशियलाइज में 10 की जगह 100 करना पड़ेगा, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 100 से लेके 10 तक जो उनसा है डिस्प्ले हो जाएंगे नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्लियर। तो फॉर लूप का बेसिकली मकसद तो आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि रिपीटिशन ही होता है, इसने किसी भी चीज को रिपीट करना होता है जो हम इसके अंदर लॉजिक लगाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक। तो ये इसको रिपीट कर रहा है इस स्टेटमेंट को, आई की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। और आई की वैल्यू को हम चेंज कैसे कर रहे हैं, यहां से सबसे पहले 100 कर दिया, फिर आई की वैल्यू बार बार चेक करता रहेगा, 0 से जब तक बड़ी है तो कंडीशन 2 है तब तक चलता रहेगा, और एक एक माइनस करके वो उस तरह स्क्रीन पर डिस्प्ले करता रहता है, क्लियर है, ओके। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 10 तक आपने जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है, ओके। हम क्या करते हैं, इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, ओके। यहाँ पे हम जब तक कंडीशन क्या है कि कंडीशन लेस देन 10, जब तक 10 से छोटा नहीं है उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एडजस्ट हम कंडीशन लगा देते हैं। देखिए पहले आई में एक जो सा है ऐड कर रहे थे ना, अब हम यहाँ पे करते हैं आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे अब हम 2 का इंक्रीमेंट करें क्योंकि आपको पता है 2 में ऐड करते जाएं इवन नंबर के अंदर तो वो जो सा है ना इवन नंबर जनरेट करता है, तो इसको डिस्प्ले करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह करके इवन नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्लियर। अब इसको करने का एक और भी तरीका है, अगर आप यहां से इसको मिटाते हैं, आई प्लस प्लस यहां पे लिखते हैं, ठीक है, और यहां पे आप इफ की स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ आई इज इक्वल्स टू सॉरी आई परसेंटेज बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर तो जो नंबर है आई के अंदर, ये आई की वैल्यू हम चेंज करें ना लूप से, अगर तो वो 2 पे डिवाइड होता है इज इक्वल्स टू रिमाइंडर, अगर उसका 0 आता है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे वो नंबर, क्योंकि जिसका रिमाइंडर 0 आता है 2 से डिवाइड होने पे वो इवन नंबर होता है, उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। देखें इस तरह भी चल रहा है, तो ये दोनों तरीके ठीक है, दोनों आपको पता होने चाहिए, सही है, ओके। उसके बाद अगर आपने ऑड नंबर्स डिस्प्ले कराने हैं 10 तक, तो जस्ट हमें यहाँ पे इवन की जगह ऑड लिखना पड़ेगा और यहाँ से हम इसको मिटा के नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर हैं और उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देंगे। तो ये देखें आपके सामने अब ऑड नंबर्स आ गए हैं, क्लियर।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ऑड नंबर्स डिस्प्ले करने हैं स्क्रीन पर, लेकिन उन नंबर्स के दरमियान जो यूजर दो इनपुट करेगा, सही है? तो हमने क्या किया, दो नंबर्स डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फिर यूजर से नंबर ले लिया, फर्स्ट नंबर इनपुट करो, वो जो भी इंटर करेगा वो फर्स्ट वेरिएबल में चली जाएगी। इसी तरह सेकंड नंबर इनपुट ले रहे हैं, वो जो भी इंटर करेगा वो सेकंड वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है? उसके बाद हमने ऑड नंबर्स अब इन दोनों नंबर्स के दरमियान में डिस्प्ले कराने हैं। तो सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, फर्स्ट से कहाँ तक डिस्प्ले करना चाहिए, सेकेंड तक, ठीक है? यूजर जो भी सेकंड नंबर इंटर करेगा वहां तक इसको डिस्प्ले करना चाहिए। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, वो कहता है इंटर फर्स्ट नंबर, मैं यहाँ पर जो सा है 8 इंटर करता हूँ, और उसके बाद सेकंड नंबर कहता है तो मैं यहाँ पे 22 इंटर करता हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं 8 और 22 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स थे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए हैं। इसी तरह आप इवन नंबर्स भी डिस्प्ले करा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं ये समझा रहा था कि फॉर लूप के अंदर दो नंबर्स यूजर से लेके उनके दरमियान का जो डाटा है, नंबर्स वगैरह हैं, उनको कैसे डिस्प्ले कराया जा सकता है, क्लियर? ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने क्या करना है, पहले 10 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्रीन के ऊपर सम डिस्प्ले करना है, क्लियर? ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम जो उनसा है पहले हम कैलकुलेट करेंगे ना, तब ही स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। इसलिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे सम का, जिसके अंदर हम सम को जो उनसा है स्टोर करेंगे, पहले 10 जो उनसे है नंबर्स का, ठीक है? ओके, यहाँ पे अब देखें फॉर लूप लगाते हैं। सबसे पहले कितने नंबर्स का करना है, फर्स्ट 10 का, 0 से लेके 10 तक, 0 से हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे रेंज लिखेंगे कि कहाँ तक करना है इसको डिस्प्ले, 10 तक करना था, मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, क्लियर? ओके, उसके बाद अब हमने स्क्रीन पर जो सा है सम को कैलकुलेट करना है। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई करेंगे, ठीक है? और ये लूप चलता रहेगा। इसके बाद सी आउट जब हम करेंगे सम, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं दी सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सम कर लेते हैं और ये एंडल हो गया, ठीक है? तो ये हमारा जो सा है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को जो सा है सम उनका फाइंड करने का प्रोग्राम बन गया, ठीक? अच्छा, देखिए स्टार्ट में सम क्या होगा, स्टार्ट में तो सम जीरो होगा क्योंकि कोई भी नंबर उसके अंदर स्टोर नहीं किया, इसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, जब देखें आई की वैल्यू क्या है, जीरो। सबसे पहले जीरो से लेके 01 का सम होगा, ठीक है? वो जो सम कैलकुलेट होगा, देखें अभी स्टार्ट में आई की वैल्यू क्या है, जीरो। कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे, क्या जीरो 10 से छोटा है, वेरी गुड, छोटा है। कंडीशन टू है, तो इसका मतलब है लूप की बॉडी में जो कुछ भी लिखा हुआ है हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि ब्रैकेट्स कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लूँ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। लेकिन अगर ना भी लगाऊं तो ये फिर भी चलेगा। उसकी रीजन ये है कि जब एक स्टेटमेंट होती है ना, तो लाजमी नहीं है आप ब्रैकेट्स लगाएं। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं तब आपको ब्रैकेट्स लगानी पड़ती है। अब आप कहेंगे एक स्टेटमेंट ये वाली है और एक स्टेटमेंट ये वाली है, तो ब्रैकेट्स लगनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये चाहता था कि फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ये वाली। मैं इसको इंक्लूड नहीं करना चाहता फॉर लूप में। मैं कहता हूं कि जब फॉर लूप खत्म होगा ना, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई। अगर तो मैं ब्रैकेट्स लगाता तो मैं ऐसे करके ब्रैकेट लगाता, ऐसे करके, ठीक है? इससे जो सा ये वाली स्टेटमेंट, आप फॉर लूप जब खत्म होगा तो फिर ये एग्जीक्यूट होगी। इसलिए लाजमी नहीं है कि जब हम ब्रैकेट्स लगाएं, क्योंकि एक स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट करवाना है। एनीवेज, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी, जीरो। आई इज लेस देन 10, कंडीशन टू है क्योंकि आई जीरो है और जीरो 10 से छोटा होता है। उसके बाद देखें सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अभी यहाँ पे सम की क्या वैल्यू है आप मुझे बताएं। देखें सम की वैल्यू ऊपर हमने जीरो लिखी थी, यहाँ पे जीरो है वैल्यू, प्लस आई है। आई की क्या वैल्यू थी, आई की भी वैल्यू जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू जीरो, क्लियर? उसके बाद पता है आपको यहाँ पे आता है इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंडीशन दोबारा चेक होगी, 1 इज लेस देन 10, वेरी गुड। यहाँ पे सम की पुरानी वैल्यू क्या थी, जो अभी पहले कैलकुलेट हुई थी, जीरो, ठीक है? जीरो प्लस आई, आई में 1 है, तो जीरो प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1, सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह करते करते ये आपने एक रजिस्टर लेना है, कॉपी के ऊपर एक एक स्टेप करके सॉल्व करना है कि ये सम की वैल्यू जो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए आपको बताता हूँ। ये देखें एग्जीक्यूट किया तो हमने सम इज इक्वल टू 45 आ गया, फर्स्ट 10 जो नेचुरल नंबर थे उनका सम। तो ये कैसे आ रहा है 45, एक एक स्टेप को आपने रजिस्टर खोल के उसके ऊपर लिखना है कि आई की जब वैल्यू ये थी तो सम की वैल्यू ये थी। अगर आपने ये काम किया तो आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी, लॉजिक तब ही समझ आएगी। इन एनी वेज आप जितने मर्जी प्रोग्राम्स देखें, जितनी मर्जी वीडियोज देखें, इस तरह कभी भी क्लियर नहीं होगा,
जस्ट एक यही स्टेप, यही तरीका है कि ये आपके सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये सम कैलकुलेट कर रहा है, आपने ये देखना है कि ये सम कैसे कैलकुलेट कर रहा है। उसके लिए आपको पेन पकड़ना पड़ेगा, रजिस्टर लेकर, ठीक है, आई की क्या वैल्यू थी, आई एक वेरिएबल बनाए, बॉक्स बनाए, आई की ये वैल्यू थी, सम की ये वैल्यू थी, आई की ये वैल्यू थी, सम की ये वैल्यू थी, लास्ट में आपको पता चलेगा कि सम 45 किस तरह आया, इस तरह आया। तो फिर जब आपको ये समझ में आ जाएगा, फिर आप इस काबिल हो जाओगे किस तरह का कोई भी प्रोग्राम आ जाए पेपर में या बनाना पड़ जाए तो आप इजीली बना लेंगे, क्योंकि इस तरह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और इस तरह आपको लॉजिक बनानी आएगी, इस तरह आपका दिमाग चलेगा, जब आपको दिमाग को समझ आएगी कि सम आया कैसे है। क्लियर? ओके, अब हम करते हैं कि यहां पे हमने फर्स्ट जो नंबर्स थे उनका सम कैलकुलेट किया है। आपको मैं कहता हूं इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करके दें। तो सिंपल, यहां पे वेरिएबल का नाम सम था, हम यहां पे प्रोडक्ट रख लेते हैं क्योंकि अभी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। यहां पे आप देखें मल्टीप्लाई कैलकुलेट करना है ना, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, तो सम के लिए प्लस लिखा था, यहां पे हम अब मल्टीप्लाई लिखेंगे। ठीक है, और यहां पे लिख लेते हैं जिधर भी सम था ना उसकी जगह प्रोडक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि उसी प्रोग्राम को जो सा है हम चेंज कर रहे हैं। यहां पे भी आपको PROD जो वेरिएबल था जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया उसको लिखना पड़ेगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये देखें हमने इसको एग्जीक्यूट किया और दी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज जीरो, जबकि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट तो जीरो नहीं होता। अभी आपने ये मुझे बताना है कि ये जो प्रोडक्ट था, ठीक है, ये जीरो क्यों आ रहा है। अभी मैं आगे मैं आंसर भी दे दूंगा, लेकिन अभी आपने आगे वीडियो नहीं देखनी, आपने ये एनालाइज करना है, ये चेक करना है कि जीरो आंसर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके इसकी रीजन खुद से देखें कि जीरो क्यों आया है। अगर आपने ये रीजन पकड़ ली, गलती पकड़ ली कि क्या गलती है, तो इट मीन्स कि आपने जो इंसान है प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ रही है। ठीक है, और अगर आपने वो गलती नहीं पकड़ी तो अभी फिर फॉर लूप्स आपके पक्के नहीं है, इसमें आपको और जरूरत है। ठीक है, जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि किसी भी चीज को आपको पता है जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आंसर आता है, तो प्रोडक्ट जीरो है, तो जब भी हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो आता है, इसलिए यहाँ पे हमें इसको वन करना पड़ेगा। अब दोबारा इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, ये देख सकते हैं, सॉरी ये पुराना था, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, ये अभी भी जीरो आ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि पहले तो हमने प्रोडक्ट को जीरो रखा था ना, अब यहाँ पे आई को भी हमने जीरो रखा हुआ है, इसको भी हमें वन से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों, देखें दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, एक प्रोडक्ट पहले ये जीरो था, ठीक है, जब हमने इसको वन किया तो अब ये जीरो है। इधर जो मर्जी हो, जब वो आई से मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो वो जीरो ही बन जाएगा ना, इसलिए हमें दोनों को जीरो नहीं रखना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आ गई? दोबारा इसको कंपाइल करके देख, तो यस, ये अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने है। क्लियर? अब आपको आई होप सो फॉर लूप की समझ आ रही होगी। इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, हजारों प्रोग्राम है, अगर आप प्रोग्राम करने बैठे तो इतने सारे प्रोग्राम है आप कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए एक दफा इस लॉजिक को समझ लें कि जिस तरह का भी आपको प्रोग्राम कहा जाए बनाने को आप बना लेंगे आसानी से। जस्ट आपने ये समझना है, रजिस्टर लेना है और ये समझना है कि ये प्रोडक्ट इतना कैसे आया है। एक एक करके इसको सॉल्व करके देखें, एक एक स्टेप करके देखें, आई की क्या वैल्यू थी, प्रोडक्ट वेरिएबल की क्या वैल्यू थी, लास्ट में जब हमने प्रोडक्ट जो वेरिएबल है उसको डिस्प्ले करवाया तो वो इतना कैसे आया। क्लियर? तो आई होप सो आपके कॉन्सेप्ट्स फॉर लूप्स के लिहाज से कुछ ना कुछ क्लियर हुए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है, प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट करके, फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।